श्री मंडल रामायण मंडल के बैनर तले दो दिवसीय कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कावड़ियों ने कावड़ उठाई। भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मनोज ठाकुर के नेतृत्व में भव्य रूप से कावड़ यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कावड़ियों ने कावड़ उठाई। इस कावड़ यात्रा की शुरुआत भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली जाना पाव से की गई। जन्मस्थली पर मौजूद पवित्र कुंड का कावड़ियों ने जल भरकर कावड़ उठाई। वहीं इस कावड़ यात्रा का जगह जगह मंच लगाकर भव्य रूप से स्वागत किया गया। किसी ने मनोज ठाकुर को श्रीफल से तोला तो किसी ने जेसीबी के माध्यम से फूल बरसाए। वहीं पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार के नेतृत्व में कावड़ यात्रा का स्वागत किया गया। कावड़ यात्रा में डमरू ढोलक लेकर युवाओं की टोली शामिल हुई, तो वहीं वीरांगनाओं के रूप में सजी युवतियां भी आकर्षक का केंद्र रही। वहीं यात्रा का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। कावड़ यात्रा का निर्देशन बिट्टू सिंह ठाकुर द्वारा किया गया। आज श्रीमंडल रामायण मंडल का 16वां वर्ष की ये कांवड़ यात्रा जाना पाव से प्रारंभ हो चुकी है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु हमारे साथ कांवड़ उठाकर चल रहे हैं। हमारे साथ में हमारा आशीर्वाददाता आदरणीय दरबार साहब, अभी राज्यसभा सांसद और प्रदेश की महामंत्री कविता जी पाटीदार भी कांवड़ में जल भरवाने के लिए आए थे, और हजारों की संख्या में भक्तगण और हमारे इष्ट मित्र इस कांवड़ यात्रा को उत्साह के साथ निकाल रहे हैं। और ऐसे ही इंद्रदेव का भी बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान की कृपा है कि इस एरिया में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई, तो लगातार सुबह से बारिश का मौसम बना हुआ है और हम लोग सभी झूमते हुए कावड़ को निकाल रहे हैं। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।